हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे हर श्रृंगार के बारे में, जिसको पारिजात, शिवली कई नामों से जाना जाता है। एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट है, यानी खुशबूदार फूलों का पौधा है। ये प्लांट आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं। पॉट में हाइट ज़्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन जब ज़मीन में ग्रो करते हैं तो इस तरह से ये एक बड़ा पेड़ बन जाता है, जो आपको छाया भी देता है। और इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है, यानी एक मेडिसिनल प्लांट भी है, मेडिसिनल वैल्यू है इस प्लांट की। और ये फूलों जो खुशबूदार फूल हैं वो भी आपको देता है। तो इस तरह से बहुत सारे गुण इस पौधे में हैं, तो ये प्लांट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जगह है तो ज़मीन में लगाइए, और जगह नहीं है तो पॉट में ज़रूर ग्रो कीजिए। आज इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। हरश्रृंगार का प्लांट यानी पारिजात का प्लांट आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और सीड से यानी बीज से भी इसको ग्रो किया जा सकता है, और बेबी प्लांट से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी फूल बिखरे हुए हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये प्लांट अभी से नहीं, ये लगभग अप्रैल से फ्लावरिंग कर रहा है। हमारे काफ़ी व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होता है कि ये प्लांट फ्लावरिंग कब करता है। तो अगर ज़मीन में लगा हुआ है, प्लांट हेल्दी है, अच्छी सनलाइट मिल रही है, तो ये जो पौधा है ये आपको अप्रैल से फ्लावर्स देना शुरू कर देता है। अगर ज़मीन में लगा हुआ है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, लगातार अप्रैल से ये फ्लावरिंग दे रहा है, और अब सितंबर चल रहा है, लगातार इस पर फूल आते जा रहे हैं। ये हमारे घर के पास में लगा हुआ है। हमारे गार्डन में ये नहीं लगा हुआ है ज़मीन में, क्योंकि वहाँ धूप नहीं आ पाती है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले हमने सीड से पौधे ग्रो किए हैं, उसमें से एक पौधा हम नीचे गार्डन में ज़रूर लगाएंगे, तो ये और भी बड़ा एक वृक्ष बन जाएगा। तो बहुत अच्छे फ्लावर्स ये हमें ज़्यादातर देता रहेगा। एक क्वेश्चन ये आया है, अभी कम्युनिटी पोस्ट में हमने शेयर किया था, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए 7 बजे तक शाम। तो हमारे एक दो व्यूअर्स ने पूछा है, लाइक्स काफ़ी सारे आ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन कम ही आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। लेकिन हमारे एक दो व्यूअर्स हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, एक तो ये प्लांट की ग्रोथ कम कब होती है, स्लो कब होती है। तो ये प्लांट सर्दियों में ग्रोथ कम करता है और फ्लावरिंग भी नहीं करता है, क्योंकि डोरमेंट सीजन होता है हर श्रृंगार का सर्दियाँ, तो उस समय ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो उस समय ना तो आप इसको ग्रो कीजिए, और ना ही इसमें कोई खास देखभाल की ज़रूरत होती है सर्दियों में, ना ही फर्टिलाइज़र ऐड करना है। पॉट में लगा हुआ है तो ये सारी पत्तियाँ गिरा देगा सर्दियों में, और अगर जैसे ये ज़मीन में लगा हुआ है तो कुछ पत्तियाँ इस पर लगातार बनी रहती हैं। और अब आप देख ही सकते हैं इसमें सीड्स भी आ रहे हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि सीड्स कब बनते हैं, तो पॉट्स में प्लांट लगा हुआ है तो सेप्टेम्बर अक्टूबर में फ्लावरिंग होती है, जो कि अब होने वाली है शुरुआत, और तभी इसमें सीड्स बनना शुरू होते हैं, जो कि लगभग मार्च तक जाकर पकते हैं, तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ये ज़मीन में लगा हुआ है तो इस पे हमेशा फ्लावर्स आते रहते हैं सर्दियों को छोड़कर, तो जब जब फ्लावर्स आते रहेंगे उसके बाद इसमें सीड्स बनते रहेंगे। तो सितंबर में आप देख सकते हैं काफ़ी सीड्स इसमें बनकर तैयार भी हैं, और काफ़ी इसमें ग्रीन भी हैं, और काफ़ी बन रहे हैं। तो ये पेड़ ज़मीन में लगा है, इस पे फ्लावरिंग भी हो रही है, कलियाँ भी आ रही हैं, सीड्स भी बन रहे हैं, और इसकी कटिंग भी आप लेकर ग्रो कर सकते हैं। एक व्यूअर का कमेंट है कि ये प्लांट की अच्छी फ्लावरिंग के लिए हम क्या करें। तो ज़मीन में लगा है तो कोई खास देखभाल की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसी जगह लगाएं पौधे को जहाँ पर अच्छी सनलाइट यानी धूप अच्छी मिल सके प्लांट को। और कभी कभी अगर आप चाहते हैं तो गुड़ाई करके गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़मीन में भी आप ऐड कर सकते हैं। पॉट में लगा हुआ है तो आपको केयर करनी होगी, जो कि वीडियो नंबर 687 में हमने आपसे शेयर की है, ज़रूर चेक कीजिए। फ्लावरिंग से पहले थोड़ी सी केयर करना ज़रूरी है, तभी आप प्लांट पे ढेर सारे फ्लावर्स पा सकते हैं। पॉट में लगा हुआ है तो हर 25 से 30 दिन में आप गुड़ाई करके उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए, चाहे गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या सरसों की खली हो, कुछ भी हो सकता है। और बहुत हल्की नमी बनाकर रखिए पॉट में। ज़मीन में तो कोई देखभाल नहीं करनी है, बस सनलाइट का आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉट में हर 25 से 30 दिन में फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए, और सर्दियों में कोई फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो सीज़न होता है लगभग मार्च से लेकर सेप्टेम्बर अक्टूबर तक प्लांट का ध्यान रखना होता है। वाटरिंग हल्की कीजिए, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत हल्की नमी बनाकर रखिए। मिनिमम आप 12 इंचेस का पॉट ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्लांट होता है तो थोड़ा बड़ा पॉट भी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी बड़ा पॉट ले सकते हैं, 18 इंचेस का या 24 इंचेस का, जो आपके पास हो। पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा पानी दिया जा रहा है। हमारे प्लांट पे एक दो पत्तियाँ ही पीली आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो ये तो नेचुरल है, एक दो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं,
तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है। तो हमेशा चेक कीजिए ज़्यादा पानी ना हो सॉइल में, वेल ड्रेन्ड सॉइल रखिए और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिए पॉट का। तो ये जो टिड्डी होती हैं, जो ग्रास होपर्स होते हैं, ये भी प्लांट पर अटैक कर देते हैं जब बारिश का मौसम होता है। तो इस पर एक वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। ज़्यादा नुकसान ये नहीं करेंगे, कुछ ही पत्तियाँ खाते हैं। कैटरपिलर का अटैक हो गया है तो कैटरपिलर से तितलियाँ बनती हैं, इस पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। बाकी इस प्लांट पर कोई ज़्यादा डिजीज़ नहीं होती हैं, इस पर स्पाइडर माइट अटैक भी होता है, जिसके लिए भी हमने एक वीडियो शेयर की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया कीजिए तो उससे रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये जो हमारा प्लांट है, इसको इस बार सेकेंड ईयर है, दूसरे साल में ये फ्लावर्स देने वाला है और कलियाँ भी आप देख सकते हैं इसमें बननी शुरू हो गई हैं। वीडियो नंबर 687 में जो हमने आपको से जानकारी शेयर की थी, उसके बाद का रिजल्ट अब आप देख ही सकते हैं। फ्लावरिंग हम आगे शेयर करेंगे तो इसमें कलियां बननी शुरू हो गई हैं। जैसे कि हमने कहा था कि पॉट में जो प्लांट्स होते हैं हर श्रृंगार के, वो आपको सितंबर अक्टूबर में फ्लावर्स देते हैं। ज़मीन में लगे हुए प्लांट आपको अप्रैल से फ्लावरिंग देना शुरू कर देते हैं और हमेशा देते रहते हैं सर्दियों को छोड़कर। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कभी पत्तियां मुरझाई हुई दिखें या रिपोटिंग करने के बाद पत्तियां मुरझाने लगें तो पत्तियों को कट कर दीजिए, प्लांट को शेड में रखिए रिपोटिंग के बाद 4 से 5 दिन। इस पर भी एक वीडियो है, शायद वीडियो नंबर 697 है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो रिपोर्टिंग के बाद भी आप देखभाल कर सकते हैं और सर्दियों में इसकी पत्तियां झड़ जाएंगी, परेशान नहीं होना है, बहुत हल्की वाटरिंग करनी है सर्दियों में। और सर्दियों के लिए भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कैसे देखभाल करनी है, बस हल्की वाटरिंग करनी है, कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है और ऐसे ही खुले में प्लांट को रखे रहने देना है। सीड से ग्रो करना भी बताया हुआ है, रेनी सीजन में ट्राई कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वैसे आप फरवरी मार्च से भी ग्रो कर सकते हैं सीड से, और कटिंग से आप ग्रो करना चाहते हैं तो रेनी सीजन में 100% रिजल्ट मिलता है। 6 से 9 इंच बड़ी कटिंग आप ले सकते हैं पेंसिल जितनी, तो उसमें अच्छी ग्रोथ आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो देखिए ये 12 इंचेस के पॉट में लगा हुआ है और इस साल ये दो साल का हो जाएगा, यानी सेकेंड ईयर है इसकी फ्लावरिंग का। तो प्लांट की हाइट आप देख सकते हैं, इसको टाइम टू टाइम प्रून करते रहते हैं हम, लेकिन सीजन में जैसे कि फरवरी मार्च में, और रेनी सीजन में भी हल्का सा प्रून आप कर सकते हैं। ये दूसरा पेड़ है जो घर के पास में लगा हुआ है, ये पेड़ इन्होंने गर्मियों में प्रून कर दिया था, जो कि हार्ड प्रूनिंग की थी, यानी कि इसकी सभी ब्रांचेस कट कर दी थी। इस प्लांट ने न्यू ग्रोथ की और इसीलिए इस पे अभी आपको फ्लावर्स नहीं दिख रहे हैं। तो जब भी आपको प्लांट प्रून करना हो तो वो फरवरी मार्च का समय होता है, और बड़े पेड़ को कभी भी आप हार्ड प्रून ना करें, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल ना करें, हल्की हल्की छटाई कर दें उसकी, जिससे वो आपको सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे। अगर आपकी कभी भी कोई क्वेरी है, कोई काम करना चाहते हैं हर श्रृंगार प्लांट में कटिंग प्रूनिंग या जो भी, उससे पहले आप एक बार हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर, डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमने सारी जानकारी देने की कोशिश की है, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।